हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन इन अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड फ्राइडे टू यू ऑल। सो गाइज, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ केजीएफ चैप्टर 2 के सीन्स पे अपना रिएक्शन शेयर कर रही हूँ। सो आज की वीडियो भी केजीएफ चैप्टर 2 के सीन के ऊपर ही है। सो लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जब रॉकी और अदीरा के बीच में फाइट होती है, अदीरा अटैक करता है दोबारा से केजीएफ पे और उसमें जो है वो रीना को मार दिया है। तो वो पार्ट बहुत इमोशनल था और उसी की वजह से फिर जो रॉकी अधीरा को बुरी तरह खतरनाक तरीके से उसने मारा है वो लिटरली गूज़बम्प देता है आपको। और साथ में जो सीन में वीएफएक्स यूज हुए हैं वो कमाल के थे। सो ये सीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उस पर अपना रिएक्शन शेयर किया था। अब हम उसके नेक्स्ट सीन पे रिएक्ट करेंगे। सो आज का जो सीन है वो है कि जब रॉकी जो पार्लियामेंट जाता है और पार्लियामेंट जाके क्या होगा वो देखने के काबिल है। सो उसके लिए हमें पहले चल के देखना होगा ये सीन और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ अपना ऑनेस्ट रिव्यू पे शेयर करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट वॉचिंग द पार्लियामेंट सीन ऑफ केजीएफ चैप्टर 2। सो गाइस, ये कर दी है मैंने वीडियो प्ले। रीना मर गई है, चाचा भी रो रहे हैं। तो जर्नलिस्ट आके वो सब देख रहे हैं। कौन सी माइंड से अंदर आए? तीसरी माइंड से अंदर आए। क्या होने वाला है कि सब कुछ डूबने वाला है? वो क्या रहा है? रमेका सिंह को मारने जा रहा है। मास्टरमाइंड सारी सिक्योरिटी को रॉकी के बदले कब से मिल रहा है? वाह यार, रॉकी क्या लग रहा है, जबरदस्त। सब भाग रहे रॉकी के डर से। मार देगा क्या रे मेरे को? ओ गुरु पांड्या, ये मास्टरमाइंड था। इसने तीसरा माइंड दिखाया? ओ इसी को तो पता था, इसने बताया भी था। दोनों तरफ से खेल रहा था। नस्तीन का सांप निकला है तो यार मार दो उसको तो बाकी। ओ
जबरदस्त। अच्छा लग ही रहा था कि रमिका सेन को मार देगा, लेकिन गुरु पांडे को मार दिया। क्योंकि तीसरी माइंड से उसको क्लिक कर गया है कि ये है इसके सब चीज के पीछे। उस तो सत्य में ही आ गए रमिका सेन, होश उड़ गए देखकर ये सब कि उसके सामने पार्लियामेंट में मार दिया। Rocky himself. Rocky himself. Wow. Rocky के तो हेयर स्टाइल है ना ये वो पूरी मूवी में जबरदस्त। क्या होगा, रेडी हो जाओ, कहाँ जाओ, क्या होने वाला है। आर्मी आ रही है अंदर। तो क्या लड़ेंगे ये लोग आर्मी से। ये तो क्या हो रहा है, ये वो कह रहे तैयार हो जाओ, अब ये तो जा रहे हैं सब केजीएफ छोड़ के जा रहे हैं। और मेंशन में आ गए रॉकी के, रॉकी को ढूंढने, रॉकी कहाँ है, रॉकी को पकड़ लेंगे क्या। इतनी आसानी से थोड़ी ना हाथ आएगा। रॉकी कहाँ गया, ये चीज हम देखेंगे नेक्स्ट सीन में। आज के लिए इतना ही। सो गाइस आप लोगों को ये सीन कैसा लगा, बहुत ही जबरदस्त और होश उड़ाने वाला सीन है। मेरे क्या रमिका सेन के भी सीन में आप देखे तो होश उड़ चुके हैं, क्योंकि जिस तरह जो है वो रॉकी पार्लियामेंट में आता है और आकर जो है वो रमिका सेन के सामने ही गुरु पांड्या को गोलियों से उसको उड़ा दिया, एक तरीके से बुरी तरह मार दिया है। और करना भी चाहिए था क्योंकि उसने धोखा दिया यार, मतलब साथ था और उसने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अधीरा को दी और उसी की वजह से अधीरा ने जो है वो अटैक करा केजीएफ पे, और जिसमें जो है वो रीना मर गई। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये सब रमिका सेन ने करवाया, क्योंकि जब रॉकी मिलने जाता है रमिका से तो वो उसको उससे वादा करती है कि मैं तुम्हें झुका के रहूंगी, और वो कहती भी है कि मैं अब आउट ऑफ द फील्ड जाके अब रॉकी के साथ कुछ करूंगी, क्योंकि इनफील्ड जो है क्योंकि आप बहुत सारे लॉज एंड रूल्स से बंधे हुए होते हैं। तो उसने भी कहा था कि अब मुझे भी बाहर निकल के कुछ करना होगा। सो मुझे यही लग रहा था कि शायद इस सब के पीछे रमिका सेन ही होगी और अब रॉकी उसको मार देगा। लेकिन जो एंड में ट्विस्ट दिखाया है ना कि इस सब के पीछे जो मास्टरमाइंड था, जो सबको चला रहा था अदीरा और रॉकी, और जिसने क्या क्या नहीं करा, कि नायस खलील से भी मिला हुआ था, किस तरह उसको भी डाउन कराया। सो ये सब के पीछे जो गुरु पांड्या था वो वाकई शॉकिंग बात थी, और बहुत ही मजा आया देख के कि जिस तरह रॉकी ने गुरु पांड्या के साथ जो किया है। लेकिन अब जो है वो क्या हो रहा है, क्योंकि केजीएफ में जो लोग थे, जो केजीएफ में रहने वाले थे, वो केजीएफ छोड़ के जा रहे हैं, और रॉकी जो है वो कहां पर है, क्योंकि रॉकी अपने मेंशन में नहीं है, केजीएफ में नहीं है, वो कहां पर है, ये देखने वाली बात होगी जो कि हम देखेंगे अगले सीन में। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा पार्लियामेंट सीन पे। अगर आया तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा मेरे चैनल का भी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे 2K सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी से एक इसी वीक में करवा दें, ताकि जो है वो वैसी तरह आप लोगों के लिए नई से नई वीडियो बनाते रहूं। सो गाइस मिलूंगी अब आप लोगों से अपने किसी और वीडियो में किसी और नए रिव्यू या रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।